वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नो टुडे विल डिस्कस अबाउट टॉप गेनर्स। जैसा कि मैंने चार्ट पर दिया हुआ है टॉप गेनर्स, तो आज हम चार टॉप गेनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वोडाफोन आइडिया, इसकी ग्रोथ रेट, शेयर की ग्रोथ रेट थी 6.88%। सेकंड नंबर पर BGCL, इसकी ग्रोथ रेट थी 3.57%। तीसरे नंबर पर DLF, इसकी ग्रोथ रेट थी 3.41%। और फोर्थ नंबर पर महानगर गैस, इसकी ग्रोथ रेट थी 2.92%। ये आज के टॉप फोर शेयर थे जो फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ था, उसमें जो फोर शेयर थे, इन फोर शेयर्स को फोकस करके आप कल का अपना ट्यूजडे का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। और इन शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स। फ्यूचर में आपको अगर लॉन्ग टर्म आपको पैसा कमाना है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। 2024 में गोल्ड का आपका रिटर्न देखा जाएगा। और अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, जो भी न्यूज़ चैनल है जो उसमें शेयर मार्केट रिलेटेड टॉपिक डिस्कस होते हैं, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें भी आपको पता पड़ेगा कि शेयर मार्केट में जो डाउनफॉल चल रहा है उसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता है। लेकिन उसमें ये बताया जाता है कि गोल्ड में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, तो वो वॉर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मार्केट पे पड़ रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका 1 नवंबर से रिजर्व रेपो रेट बढ़ाने वाला है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा मार्केट पे इफेक्ट आने वाला है। सेकंड थिंग ये है कि अगले मंथ नवंबर में काफ़ी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, तो उन रिजल्ट से भी मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर रेपो रेट बढ़ती है और रेपो रेट बढ़ने से महंगाई दर बढ़ेगी और उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट सभी लोन्स पे पड़ेगा, तो इसलिए आप नवंबर का वेट कीजिए। 1 नवंबर को मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।